नागिन जैसे बड़े शो में काम करने के बावजूद भी इस एक्ट्रेस के पास नहीं है काम। आखिरकार इस एक्ट्रेस को क्यों भटकना पड़ रहा है दर दर टीवी इंडस्ट्री में काम को लेकर, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं एक्सप्रेस टीवी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। भला आपको बता दूँ कि टीवी एक्ट्रेसेस में से बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपने शुरुआती दौर में काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन फिलहाल जो वक्त चल रहा है उस टाइम के अकॉर्डिंग जो एक्ट्रेसेस हैं उनके पास काम की बेहद ही ज़्यादा कमी है। वेल, इसमें एक और एक्ट्रेस शामिल हो चुकी हैं जिनका नाम है निया शर्मा। जी हाँ, निया शर्मा ने 2010 में अपनी करियर की शुरुआत की थी एक हज़ारों में बहना और साथ ही साथ जमाई राजा, नागिन फोर जैसे सीरियल्स में उन्होंने काम किया है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें तो जमाई राजा की फेम यानी कि निया शर्मा के पास काम नहीं है। जी हाँ, आपको बता दूँ कि वो अपने एल्बम सॉन्ग्स के प्रमोशंस को लेकर फिलहाल काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही हैं, लेकिन टीवी इंडस्ट्री में हमेशा ही यही बातें सामने आती हैं कि निया शर्मा ने ब्रेक लिया है। लेकिन एक रिसेंट इंटरव्यू में खुलासा किया है निया शर्मा ने कि अभी उनकी ब्रेक लेने की उम्र नहीं है और उन्होंने टीवी इंडस्ट्री से ब्रेक नहीं लिया है बल्कि उनके पास काम ही नहीं है। वेल, बहुत सारे ऑफर्स आते हैं लेकिन मेकर्स दोबारा कॉल ही नहीं करते हैं। वेल, आप बीती बताते हुए निया शर्मा ने ये भी शेयर किया कि जैसे ही उनके पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट आता है तो वो उसे हामी भरने में देर बिल्कुल नहीं करेंगी। ऐसे में कहीं ना कहीं चांसेस बन रहे हैं कि बिग बॉस जैसे रियलिटी शो या फिर झलक दिखला जा जैसे रियलिटी शो में निया शर्मा के आने के चांसेस हैं। आखिरकार निया शर्मा को लेकर आप अपडेट आखिरकार निया शर्मा को क्या बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज़ या फिर टेलीविज़न इंडस्ट्री के डेली सोप्स में देखना पसंद करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।